हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ मस्तान सिंह। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th। तो अपनी चल रही थी वैदिक मैथ्स, इसमें अंदर अपने एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे। पहला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ कैसे करवाए थे। जैसे अपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट और टू तो मैंने करवाए थे, थोड़ा सा थ्री क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। मतलब वो मेथड कौन सा है, इसमें मेथड कौन सा यूज करना, अपने को क्या करना है। बाय द मेथड ऑफ अपसूत्र यावा धुआम तावा धुआम, इस मेथड से अपने को क्या करनी है, उसकी स्केयर फाइंड करनी है। ठीक है, पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि स्केयर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो अपने डिजिट लिखी 211, इसकी अपने को स्केयर फाइंड करनी है। तो स्केयर फाइंड करने का मतलब क्या होता है कि 211 की ये होती है स्केयर। ठीक है, यहाँ पे अपने जो डिजिट लिखते हैं 2, उसको इसका मतलब क्या है 2, इसका मतलब है कि 211 को अपने दो बार मल्टीप्लाई करना है। ये तो अपना होता है सिंपल वे जो अपने कैलकुलेशन से करते हैं। ठीक है, लेकिन अपने को स्केयर करनी है इस तरीके से, बाय द मेथड ऑफ अपसूत्र यावा धूम तावा धूम। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये मेथड बहुत सारे हैं, हम कैसे इनको करें, कैसे याद रहेंगे अपने। तो देखो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप देखने और सुनने के साथ साथ आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन आएंगे। मान लो मैं एग्जाम्पल समझूँ, कोई एक क्लास के अंदर एक वीक स्टूडेंट है और एक अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ने वाला ऑनेस्ट स्टूडेंट है, तो उन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि मान लो किसी टीचर ने उसको पूछा कि 7 + 8 कितने होते हैं, 7 में 8 को ऐड करोगे तो कितना होता है, तो वीक स्टूडेंट क्या करेगा, इधर उधर देखेगा और वो हाथों पे गिनने लग जाएगा। इस तरह से आपने करते हैं ना, इस तरीके से करने लग जाएगा। लेकिन जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो फट उसका आंसर बता देगा कि सर 7 + 8 होता है 15। तो उस दोनों में फ़र्क क्या हुआ, आप देखोगे कि उसमें फ़र्क ये है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो 7 + 8 को बहुत बार कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन में जोड़ लगाता है, बार बार जोड़ता रहता है। मान लो वो कैलकुलेशन करता है खुद, 7 में 8 जोड़ता रहता है, बार बार उस चीज़ को ऐड करता है, तो उसका आंसर वो खुद नहीं दे रहा, उसका माइंड दे रहा है। क्योंकि उसके अंदर माइंड के अंदर वो सेटअप हो गया सारा सिस्टम, उसकी कैलकुलेशन के माइंड के अंदर अपने आप होने लग गई, उसका आंसर माइंड देने लग गया, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की है। और एक वीक स्टूडेंट जो कि कभी करता ही नहीं है उस चीज़ को, 7 में 8 को उसने जोड़ा ही नहीं है या कभी कभार जोड़ा है, तो उसको टाइम लगेगा, वो ऐड करेगा और उसकी एक्यूरेसी भी नहीं आएगी, वो गलत करेगा। ठीक है, तो अपने कहने का मतलब है कि मैथ्स को अपने बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये आप कह रहे हो कि सर मैथड बहुत सारे आएंगे, तो आपको भी इसी तरीके से क्या करना है कि आप मैथड की प्रैक्टिस करोगे। मान लो एक मैथड के आपने 4 से 5, 5 से 10 क्वेश्चन किए, एक मैथड के यहाँ 4-4 क्वेश्चन हैं, 4 को आप क्वेश्चनों को डबल बार करोगे तो 8 हो जाएंगे। अगर उन क्वेश्चनों को 8 क्वेश्चन एक मेथड के अगर 8 बार करोगे तो वो मेरे ख्याल से वो आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस करने के बाद वो मेथड लिखते ही आपको दिमाग में कैलकुलेशन याद आ जाती है कि कैलकुलेशन कौन सी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्या करेंगे, आपको मेथड लिखते ही आपको कैलकुलेशन याद हो जानी चाहिए कि कौन सी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या कैलकुलेशन बताई थी, ये सबसे पहले अपने क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है अपना, इसकी अपने को स्केयर करनी है 211। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका बेस बनाते हैं। पहले तो आप वैदिक मैथ में यही काम किया करो कि बेस सब बेस बना लिया करो। बेस क्या होगा इसका, देखो 3 डिजिट है तो 100, डबल डिजिट के लिए 10 होता है। ठीक है, मान लो डिजिट होता 21 तो ये 10 बेस के अकॉर्डिंग होता है, तो यहाँ बेस बनेगा इसका 100। सब बेस क्या बनता है, सब बेस बनता है जैसे 200 है तो 200 के अकॉर्डिंग, 200 300 का 3, तो अपने क्या लिखेंगे इसको 200 × 2 है, तो इसका सब बेस क्या बन गया 2 डिजिट, तो सब बेस हो गया इसको, सब बेस को बोलेंगे अपने इसको कैलकुलेशन करके 2, ये सब बेस हो गया इसका 2। ठीक है, तो डेविएशन एक होता है, डेविएशन का मतलब है जो अपने बेस बनाया उससे वो डिजिट कितनी ज़्यादा है। अगर तो वो ज़्यादा है तो अपने उसको प्लस में लिखेंगे, कम है तो उसको माइनस में, तो ये ज़्यादा है तो किस में लिखेंगे प्लस, तो ज़्यादा कितनी है 200 से 11, तो ये इसका डेविएशन बन गया। अब इसके बाद कैलकुलेशन क्या होती है कि जो डेविएशन है, या तो आप इसको मेथड सूत्र बना सकते हो या आप इसको याद रख सकते हो, पहला डिजिट 2 सब बेस इंटू जो डिजिट है जो अपना क्वेश्चन है उसको लिखो, प्लस जो डेविएशन है 11 स्लैश लगाने के बाद जो लास्ट में डिजिट बटा डेविएशन उसकी आप क्या कर दोगे, स्केयर कर देंगे। ठीक है, तरीका क्या था, पहले भी अपने 2 क्वेश्चन किए थे, मैं सिर्फ इसको रिपीट कर रहा हूँ। क्या करना है अपने को, जो सब बेस है वो यहाँ लिखोगे,
ब्रैकेट इनटू, यहां कोई साइन नहीं होता, मतलब ये ब्रैकेट है, इसका मतलब यहां क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। जो क्वेश्चन 211 प्लस डेविएशन 11 स्लैश 11 की स्केयर। अब इसके बाद क्या रहेगी, बेसिक कैलकुलेशन। जो कैलकुलेशन रहेगी वो भी आपको तरीके से करनी है, ये नहीं कि आप पहले उसको करने लग जाओ या 2 को मल्टीप्लाई कर दो। करते क्या है, हमेशा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैथ्स के अंदर बोर्ड मार्क्स का यूज करते हैं, पहले हमेशा ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 इंटू इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 2 11 में 11 जोड़े 22, 222 स्लैश, ये भी ब्रैकेट में इसको भी सॉल्व कर लो, 121। अब देखो उसके बाद क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, डिवाइड है नहीं, उसके बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है, उसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो गया 444, 121। ठीक है, तो इसको आप इकट्ठा करके लिख सकते हो, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, आप ये करने के बाद, ये अगर आंसर आपको क्या बता, कई बार तो सीधा आ जाता है, कई बार क्या होता है कि आपको ये करने पे सही नहीं आता, आप इसको 211 को साइड में करके भी देखोगे, मैं ये यही फायदा है, इसको आप साइड में करके देखोगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 112, मैं करूँगा 112, मतलब सिंपल तरीके से, इन टू 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 3 और 2 5, 2 2 जा 4, 4। अपना आंसर आ रहा है 4 4 5 2 1, लेकिन यहाँ आ रहा है 4 4 5 1 2 1। तो अपने देखेंगे कि अपने को क्या है कि जब भी ऐसा कुछ हो कि आपको डायरेक्ट करके जरूर देखना है। ठीक है, कई बार तो वो क्या होता है कि वो इकट्ठा करके लिख देता है, कई बार उसको जोड़ता है, तो यहाँ उसने क्या किया, इस 1 को इस 4 में ऐड कर दिया। ठीक है, 21 वैसे का वैसे, 1 में 4 जोड़ दिया यहाँ पे, तो ये कितना बन गया, 4 4 5 2 1, इस तरीके से। तो आपको डायरेक्ट करके जरूर देखना है, एक तो अपने को आंसर का पता लग जाता है और एक अपने जो गलती होती है वो पता लग जाती है। थोड़ा आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर करके देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से अपने क्या करते हैं, जैसे मान लो ये आया 4 4 4 1 21, तो अपने क्या करेंगे, इस 4 को 1 में जोड़ देंगे, तो ये हो गया 4 4 4 1 5 2 1, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो अपने आप करोगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, 1 2 4 हो गए इस मेथड से, चारों के चारों क्वेश्चन अपने आप आपको करने हैं। इसके बाद का जो मेथड है वो है सूत्र अनुरूपेणा। आपकी बुक के अंदर शायद मेंशन होगा, मेरी बुक है उसके अंदर मेंशन नहीं है वो सूत्र, तो आप इसको लिखोगे क्या, 5th क्वेश्चन है उसके लिखा हुआ है कि सब सूत्र स्केयर करनी है बाय सब सूत्र अणु रूपेणा। ठीक है, हिंदी में इसको अपने बोल सकते हैं अणु, जैसे अपने लिखते हैं अनुरूप, अनुरूप का मतलब उसी जैसा, सिमिलर, प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड है, इस मेथड से अपने को क्या करना है। अब ये भी मेथड है, देखो नाम अलग अलग हैं, जैसे भी हो सकते हैं आपकी बुक में लिखे होंगे, लेकिन अपने को क्या है, बाय प्रैक्टिस आपको उसकी कैलकुलेशन समझ आएगी। मैं फिर से ये कह रहा हूँ, जितनी कैलकुलेशन करोगे, जितने क्वेश्चन खुद करोगे, उतनी मैथ्स आपको आएगी। तो 5th क्वेश्चन क्या है, इसकी अपने को क्या करनी है, स्केयर। क्वेश्चन है 5th 16, इसकी स्केयर करनी है, स्केयर करनी है। तो अपने कैसे करेंगे इसको, इसको मेथड सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहली जो डिजिट है फर्स्ट डिजिट, उसकी आप करोगे स्केयर, सेम आप क्या करोगे जो लास्ट वाली डिजिट है उसकी स्केयर। क्या किया आपने, पहली डिजिट की स्केयर, मतलब 1 की स्केयर, फिर 6 की स्केयर। यहाँ एक पार्ट होगा, 3 पार्ट बनेंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 3 पार्ट बना लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पहले में क्या करोगे, पहले 1 डिजिट की स्केयर, दूसरे में जो रह गया थर्ड पार्ट में 6, बीच वाले में क्या करेंगे अपने 1 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 जा 6, और इस 6 को ही इसमें जोड़ देंगे। क्या किया मैंने, फिर से देख रहे हैं अपने, 3 पार्ट मैंने बनाए, जैसे मान लो पहले डिजिट की स्केयर, थर्ड पार्ट में जो लास्ट डिजिट है 1 पोजीशन पे उसकी स्केयर, उसके बाद जो डिजिट दोनों आपस में रह गए उनका आपस में मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई आया 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, वो 6 यहाँ जोड़ देंगे। अब अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 1 1 जा 1, स्लैश लगाओगे 6 और 6, 6 तो ये आ गया, 6 को 6 में जोड़ा 6, ये हो गया 12,
और यहाँ क्या हो गया सिक्स सिक्स जा सिक्स इंटू सिक्स मतलब क्या है सिक्स इंटू सिक्स तो कितना हो गया सिक्स सिक्स जा 36। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ क्या कर देंगे अपने 3 को 2 में जोड़ देंगे, 6 वैसे का वैसे 3 और 2 5 ये हो गया 1 और 1 2 2 5 6। ठीक है, आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, बड़ा ही आराम तरीके से इसको करना है। ये हो गया इसका फिफ्थ पार्ट, सेम इसका सिक्स्थ पार्ट है जो अपने आप करोगे, मैं आपको करवाता हूँ इसका सेवन्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट मैंने करवाया, सिक्स्थ आप अपने आप करोगे, सेवन्थ पार्ट मैं इसका करवा रहा हूँ आपको। देखो इसी तरीके से अपने करेंगे सेवन्थ पार्ट, बड़ा ही इजी मेथड है ये। सेवन्थ पार्ट में लिखा है 24, इसकी अपने को क्या करनी है स्केयर, 24 की स्केयर करनी है, तो वही अपने क्या करते हैं तीन पार्ट बना लेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो पहले क्या करते हैं फर्स्ट पार्ट में जो पहला डिजिट है उसकी स्केयर, सेम थर्ड पार्ट में जो वंस पोजीशन पे डिजिट है फोर उसकी स्केयर। ये हो गया टू की स्केयर फोर की स्केयर, पहले डिजिट की स्केयर लास्ट डिजिट की स्केयर, जो बीच वाला स्टेप है उसको क्या करते हैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, दोनों डिजिट टू इंटू फोर क्या हुआ एट, टू फोर जा एट, उसी एट को यहाँ एट में जोड़ देंगे। क्या क्या पहले डिजिट की स्केयर, थर्ड पार्ट में लास्ट डिजिट के स्केयर, बीच वाले पार्ट में क्या कैलकुलेशन करनी है दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई, एट आया उस एट को एक बार एट में फिर जोड़ देना है, जहाँ जो आंसर आया उसी को यहाँ ऐड कर देना। इस तरह से लाइन लगाएंगे, फिर तीन पार्ट बनेगा टू टू जा फोर, टू को टू से किया फोर, सेम एट में एट जोड़ा ऐड किया तो 16 और फोर फोर जा 16। अब देखो जब भी ऐसा आए दो डिजिट हो तो अपने इसको ऐड कैसे करते हैं, क्या तरीका है उसको ऐड करने का, पीछे वाला डिजिट इसका छोड़ देते हैं, इसका ये वाला डिजिट देते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। किस तरीके से, सिक्स का सिक्स, वन को सिक्स में ऐड किया तो सेवन, फिर यहीं से ये आ जाएगा इस तरीके से। आगे चलते थे पिछले पहले वाले डिजिट पीछे वाले डिजिट को छोड़ देते हैं, इस तरीके से इस डिजिट पर पहुँचा, फिर नेक्स्ट डिजिट को चढ़ के आगे आगे कुछ हो तो उस तरीके से चलते जाते हैं। तो फोर और फाइव, फोर और वन फाइव, इसका आंसर हो गया 576। सेवन्थ पार्ट हो गया, इसी तरीके से अपने इसका एट्थ पार्ट भी कर लेंगे, वो भी करेंगे। एट्थ पार्ट क्या है उसी तरीके से करते हैं, 56 की स्केयर करनी है, तो वही मैंने पहले आपको बताया था कि पहले डिजिट की स्केयर, फिर सिक्स की स्केयर, पहले डिजिट की स्केयर और लास्ट डिजिट की स्केयर, ब्रैकेट लगाना तो लगा लो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फाइव की स्केयर सिक्स की स्केयर, दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई, क्या आंसर आएगा 5 6 30, इसी 30 को अपने ऐड कर देंगे। ठीक है, 5 5 जा 5 की स्केयर का मतलब क्या होता है 5 × 5, तो कितना आया 25 स्लैश 30 में 30 को ऐड किया तो 60, सेम 6 6 जा 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36। अब वही प्रोसेस करेंगे अपने पीछे जो पहला डिजिट है वंस पोजीशन को छोड़ेंगे, इसको इसमें ऐड, इसको इसमें ऐड, आगे कुछ है नहीं तो जरूरत ही नहीं अपने को। तो ये कितना हो गया 6, 3 को 0 में ऐड किया तो 3, 6 को 5 में ऐड किया तो 11, तो 11 इकट्ठा नहीं लिखना, 11 का लगेगा 1, 1 हो गया कैरी, उसको क्या करेंगे यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1, 1 को 2 में ऐड कर देंगे, आगे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 2 3, तो आंसर हो गया 3 1 3 6। ठीक है, ये आपको एक ही मेथड मैंने आज करवाया है, इसके बाद का भी अपने पहले किया हुआ थोड़ा सा वो भी कर लेते हैं, वो भी अपना रिपीट ही है, क्योंकि पहले जो एक्सरसाइज मैंने पहली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने करवाया था वो मेथड आपको, वो ज़्यादा आपको आपको आता है अच्छे से, थोड़ा सा रिपीट करना है। 9 से लेकर 12 जो क्वेश्चन है वो आपको किस मेथड से करने हैं, वो भी अपने को स्केयर करनी है, बाय सूत्र एका दिकेन पुर वेन, इस मेथड से अपने को क्या करनी है स्केयर फाइंड करनी है। ये सारी एक्सरसाइज 1.2 आपको स्केयर फाइंड करने वाली है, किस मेथड से करनी है सूत्र एका दिकेन से। ठीक है, देखो आपको आप ये सोचोगे कि मैंने जो ऊपर क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ दो ही डिजिट थे 2 1 मान लो दो ही थे सिंगल,
तो आपने इसको दो की स्केयर कर लेते, वन की स्केयर कर लेते बीच में, अगर यहाँ पे थ्री डिजिट होता तो फिर हम क्या करते, इस मेथड चलता ही नहीं। तो आपको ये है कि क्वेश्चन आपको वही दिया जाएगा जो उस मेथड के लिए सूटेबल है, मतलब जो आपको क्वेश्चन लगेगा। अब थ्री डिजिट देते तो ये अपना मेथड चलता ही नहीं, तो अपने को क्वेश्चन वही देगा जो उस सूत्र के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो आपको वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो मेथड जिस क्वेश्चन पे लगेगा वही आपको मेथड दिया जाएगा। जैसे मान लो इसकी स्केयर करनी है, नाइन्थ क्वेश्चन है 45, इसकी अपने को क्या करनी है स्केयर, ये अपने पहले भी किया था। तो क्या करते हैं इसमें, अपने बेस 10 बेस बनाना है, सब बेस तो बना लो, लेकिन जरूरत नहीं है, यहाँ पे बेस हो गया इसका 10 डबल डिजिट है, तो सब बेस अपने क्या सकते हैं इसका 4, 10 के अकॉर्डिंग 40, तो 4, ठीक है। डेविएशन भी कह सकते हैं अपने D+5, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे इसको, एक सूत्र यही अपने को यहां से समझ आ जाएगा, एका अधिकेन, एका का मतलब होता है एक, अधिकेन का मतलब अधिक करो, एक अधिक पूर्वेन, जो पहले डिजिट है पूर्वेन, मान लो जो अपने क्वेश्चन कर रहे हैं ये तो होता है स्केयर डिजिट, तो जो पहले वाला डिजिट है पूर्वेन उसकी आप स्केयर कर दो, पहले डिजिट है, पहले डिजिट क्या है इसका 4 है, 4 में क्या करेंगे अपने एक अधिक कर देंगे, एक अधिक करके क्या कर देंगे उसको ऐड कर देंगे, जैसे 4 है, 4 का एक अधिक क्या होता है 5, 4 का एक अधिक हो गया 5, उसको मल्टीप्लाई स्लैश जो पीछे वाले डिजिट स्केयर के अंदर जो लास्ट में डिजिट है उसकी हमेशा स्केयर ही होगी, लगभग सारे क्वेश्चनों के अंदर, हर क्वेश्चन में आप मान के चलोगे स्केयर करेंगे तो जो लास्ट डिजिट होगी उसकी लास्ट स्टेप में स्केयर ही होगी, ठीक है। तो पहले यहाँ क्या किया, एक का अधिक करके, एक का अधिक पूर्वेन, इस डिजिट के एक अधिक करके अपने को मल्टीप्लाई करनी है, 4 के एक अधिक होता है 5, 4 5 5 की स्केयर, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है। अब यहाँ देखो वो मेथड नहीं चलेगा कि अपने ऐड कर देंगे, ये अपने को तरीका वही देखो, यहाँ पे अपने क्या करेंगे ये करके देखेंगे, सिंपल 5 जा 25 2, 5 4 जा 20 20 22, 4 5 जा 22, 4 4 जा 16 और 18, क्या आया 5 2 10, 1 और 1 2। तो अपने यहाँ से देख रहे हैं कि अपने को वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने को सीधा ही लिखना पड़ेगा। तो आपका आंसर एक्यूरेसी कहाँ से पता लगेगी, आप उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखोगे, फिर यहाँ पे पता लगेगा आपको कि आंसर क्या करना है। अगर आपको आंसर उस तरीके से देख लोगे तो आपको करना ऐड करना पड़ा तो आप कर दोगे, नहीं तो आप सीधा इसको लिख दोगे, ठीक है। ये अपने 9th क्वेश्चन कर लिया, 10th आप अपने आप करोगे, 11th और 12th में से एक मैं करवाता हूँ, ठीक है, उसमें 3 डिजिट है, ये लीजिए। अब अपने करते हैं 11th क्वेश्चन, 11th क्या है 115 की स्केयर, इसकी स्केयर करनी है अपने को। तो अपने देखो यहाँ पे हमेशा ये वंस डिजिट को छोड़कर ये बाकी जो डिजिट होगी उसकी एक अधिक करनी है। अब यहाँ एक अधिक किसकी करेंगे, वहाँ तो दो डिजिट थे मान लो 23, इसकी स्केयर कर देते, इसका एक अधिक कर देते, लेकिन यहाँ क्या करना है, सिर्फ सिंगल डिजिट को छोड़ना है, बाकी जो भी बच जाए, जैसे मान लो यहाँ आ गया 1 2 3 4, इस डिजिट को छोड़ोगे इसकी एक अधिक करोगे, 123 × 124। अब ये यही करेंगे अपने, देखो सिंगल डिजिट को छोड़ देंगे, उसकी हो गई स्केयर 5 की स्केयर, 11 का एक अधिक 12, तो कितना होगा, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 11 2 जा 22, 2 11 1 जा 1, और 11 13, मतलब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके, 5 5 जा 25। अब वही काम अपने को देखना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से क्या आएगा, आप इसको डायरेक्ट करके देखोगे तो इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा, यहाँ आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आपको इस एकाधिकेन पूर्वेन मेथड को अब पूरा कंप्लीट, मतलब 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट करने हैं। और फिर भी मान लो आपको कोई मेथड समझ नहीं आता, आप उसको पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन होमवर्क आपको सभी को करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होमवर्क कर नहीं रहे, ठीक है, आपको होमवर्क डेली करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।